नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर जनता तक। आप सभी तमाम दर्शकों को एक बार अपने चैनल में स्वागत करना चाहूंगा और बता देना चाहूंगा कि सिवान जिला अंतर्गत दुधरा ग्राम में काफी भव्य और ऐतिहासिक यादगार 8 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ का आज अंतिम दिन है और अंतिम पड़ाव में सारे जितने भी यज्ञ के आयोजनकर्ताएं हैं उनके द्वारा निर्णय लिया गया कमेटी का कि एक ग्रामीण स्तर पर कुश्ती का आयोजन किया जाए और दूर दराज से पहलवानों को बुलाया जाए और जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं इस कमेटी के सदस्य बने हुए हैं उनका ये मानना है कि कुश्ती एक ऐसी गेम है जो एक तंदुरुस्ती शरीर के अंदर लाती है। इसे कई सारे विकास के मापक माने जाते हैं कुश्ती को और इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसी बात को ख्याल रखते हुए ग्रामीणों ने निर्णय लिया है और ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है दूसरा ग्राम के सभी ग्रामवासियों के द्वारा कि बहुत अच्छा कुश्ती का आयोजन किया गया था। और आप सभी को मैं बता दूं कि अभी उस तमाम पहलवानों में से 2-3 पहलवान हमारे समक्ष हैं कैमरा पे और इन सारे पहलवानों से हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ विषयों पे और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे, किस स्तर से ये तैयारी करते हैं, क्या इनका डाइट है और किस प्रकार से ये दाव लगाते हैं और कितने स्तर तक अभी तक ये गए हैं और क्या इसमें करना पड़ता है, सारे प्रतिक्रिया जानेंगे आप सभी के समक्ष। सर, सबसे पहले आपका नाम लेना चाहेंगे और अपने चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। सर, इसके लिए शुक्रिया। मेरा नाम है कमला पहलवान, सतना। सतना मध्य प्रदेश से चलकर आए हुए आपके ग्रामीण क्षेत्र में पहलवानी के लिए और इनसे जानना चाहेंगे कि सर, आप ऐसा हमें लगा कि मालूम चला कि आप कार्यरत हैं एमपी मध्य प्रदेश पुलिस में, तो सर प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी आप इस तरह के अपने अंदर जज्बा रखते हैं और क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे युवाओं को, जो युवा खेल में तो जाते हैं पर क्रिकेट हॉकी फुटबॉल के अलावा क्या आप चाहेंगे कि युवा को प्रेरित करेंगे कि इस मामले में भी युवा आए और कुश्ती को भी अपना एक रोल मॉडल माने? आज के परिवेश में यही कहेंगे कि हमारे भारत के जो भी जवान जिस भी प्रतियोगिता से जुड़े हो, अच्छी प्रतियोगिता करें, अच्छा त्याग करें, हमारे देश का नाम रोशन करें और विदेशों से जितना भी पदक लाना चाहें लाएं, इससे हमें बहुत बड़ी खुशियाँ मिलेंगी। दूसरी बात, अभी अभी एक प्रकरण आया था महिलाओं को, ये दिल्ली में जो हुआ था। जी सर, जी सर, आप पदक के बात किए कि अधिक से अधिक लोग आए, इसमें इन्वॉल्व हों, अच्छा करें, देश से बाहर भी जाकर मेडल जीते, देश के अंदर भी मेडल जीते, तो सर मेडल की जहां तक बात आई तो आपके संज्ञान में होगा या देश के हर एक युवा लोग जानते हैं कि साक्षी मलिक है और कि जितने भी लेडीज आपकी भारत की विधाएं हैं, लेडीज जिन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर भारत में लाया है। वर्तमान में एक मामला काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ब्रजभूषण सिंह जो है गोंडा का सांसद है, उन पे कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पे यौन शोषण का आरोप है महिला पहलवानों द्वारा लगाया गया है और जंतर मंतर पे काफी दिनों से धारणा चल रहा है और उनका इतना चर्चा पासा, इतना वर्चस्व है कि उनके खिलाफ सरकार भी एक्शन लेने में डर रही है, पर मामला कोर्ट में गया था, पहलवानों ने अपना मांग रखा था, मांग को पूरा कर लिया गया है, उन पर FIR दर्ज कर लिया गया है, तो क्या कार्रवाई होना चाहिए ब्रजभूषण सिंह को, राजनीतिक उनको छत्रछाया में रखा गया है, क्या पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए या अन्याय होना चाहिए? वैसे ब्रजभूषण सिंह दबंग परिवार से दबंग नेता हैं, यौन शोषण के मामले में जब उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ तो पहले उनको पुलिस अपनी हिरासत मिले और उनको जेल भेजे, इसके बाद न्यायपालिका उनके ऊपर विचार करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको पेश करना वो करेंगे, अपनी सफाई तो, लेकिन अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इसलिए हमारे युवा परेशान हैं, जो भी हमारे बच्चा फुकाट हैं, पहले पुनिया हैं, सारे लोग बैठे हैं, इसलिए कि हमें न्याय मिले। यौन शोषण का मामला बहुत गंभीर मामला है, ये इसको ये कह रहे हैं कि अपराध है, हमारे ऊपर अपराध कोई नहीं, उनके ऊपर अपराध ये किए हैं, तभी उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया, कोई नहीं इनके क्या शिकायत किया, क्यों नहीं विरोध किया, लेकिन 6 महीना पहले भी हुआ था, इसमें भी जनता को धरना, कुछ कॉलेज की महिलाएं लड़कियां आई थी उनके साथ बर्बरता से पिटाई की गई, जो अशोभनीय है। पहलवान से पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए हर समय कदम बढ़ा करके इनका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे पहलवान का। और सर, इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, बीजेपी के बड़े स्तर के नेता ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, वो निर्भीक और एकदम डरे हुए नहीं है, उनको लग रहा है कि हम न्यायपालिका को चैलेंज कर देंगे और न्यायपालिका हमारी है, हमारी सरकार है, हम उसको हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, पर देश के खिलाड़ी देश का नाम करते हैं, सांसद के कारण देश में, देश उनके क्षेत्र में के अलावा या भारत के अलावा कोई उनका नाम विदेशों में नहीं जानता होगा, पर जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, उनका
क्या होगा और ऐसे होता रहेगा तो क्या खिलाड़ी आगे अपना कदम बढ़ा पाएंगे? डरेंगे, राजनीति के जब शिकार होते चले जाएंगे खिलाड़ी, गोल्ड मेडल जीतने वाले, सिल्वर मेडल जीतने वाले, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले, तो क्या होगा भविष्य में खिलाड़ियों के साथ? आप इस विषय पर थोड़ा। ऐसा ही होता रहेगा तो हमारे पूरे भारत के कैंप बंद हो जाएंगे, कहीं भी ट्रेनिंग और इसका टेस्ट नहीं हो पाएगा, न कोई तैयारी कर पाएगा। पूरे भारत के कैंप बंद हो जाएंगे, कोई तैयारी नहीं कर पाएगा, न देश के लिए कभी भी कोई स्वर्ण पदक देगा। इससे हमारी पहलवानी प्रतियोगिता लुप्त होती जाएगी और देश को बड़ा निराशा लगेगी। इससे तो सर आप पहलवानी में हैं, आप प्रोफेशन है आपका पहलवानी, आप एमपी पुलिस में कार्यरत थे, तो क्या आप थोड़ी सी इस बात पे अपना संज्ञान रखेंगे कि पहलवानी काफी साल पहले से अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है पर अभी भी पहलवानी देखने को नहीं मिलता है? 100 आयोजनों में से, खेल प्रतियोगिताएं में से कभी कभार देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पहलवानी करा दी जाती है, पर इसको रेगुलर मोड में लाने के लिए और पब्लिकों में जागरूकता फैलाने के लिए लोग फालतू फालतू खर्चे कर देते हैं, पर पहलवानी एक अच्छा मोड है, इसमें जोश जुनून जज्बा सब देखने को मिलता है, इस विषय पर क्या करने की लुप्ता होती जा रही है पहलवानी की? तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारा खेल मंत्रालय सभी गेमों पर, सभी प्रतियोगिताओं पर काफी ध्यान दे, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। देखिए कुश्ती का बजट तो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, कुश्ती जितना खेल स्पोर्ट का बजट है टोटली पाकिस्तान का, उससे ज्यादा हमारे भारत में कुश्ती का बजट है, पर यहाँ पे राजनीतिक षड्यंत्र होता जा रहा है और राजनीतिक सारे षड्यंत्रों के कारण खिलाड़ियों का जो मनोबल गिरता जा रहा है दिन पर दिन, इस पे निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम खिलाड़ी को जो अपना राइट है उसको राइट को प्रयोग करना चाहिए, ताकि खिलाड़ी प्रताड़ित ना हो और उनकी भावना को आहत ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। और इनके उपरांत एक और हमारे यहाँ पे पहलवान जी हैं, आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आप आए हुए हैं यहाँ पे? संजय पहलवान, बनारस यूपी। ये यूपी के हैं, बनारस से हैं। आप प्रोफेशन में हैं या अलग प्रोफेशन में हैं, या आपका पहलवानी प्रोफेशन है? पहलवानी प्रोफेशन। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहिए इस मामले पे? आप यहाँ पाए कैसा लगा और आप थोड़ा बताइए? यहाँ पर आने पर हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ की जनता बहुत अच्छी है और जो है कुश्ती हमारे देश से लुप्त होती जा रही है, इसको जागरूक करने के लिए गांव-गांव में जो है कुश्ती कला कराई जाए और जो ऐसे सांसद और विधायक हुए हैं उनको सीधे फांसी की सजा दी जाए जो जौन शोषण कर रहे हैं। होता है सही सही होता है, गलत प्रूफ हो जाएगा, केस ट्रू हो जाएगा तो निश्चित रूप से बृजेश्वर शरण सिंह पे उन पे कार्रवाई होना चाहिए। न्यायपालिका पे भरोसा हर एक देश के नागरिक को होता है, संविधान से देश चलता है, किसी एक व्यक्ति से देश नहीं चलता है, इस बात को इन्होंने निश्चित रूप से स्पष्ट किया। और एक और आप यहाँ पे पहलवान साथी हैं, ये तीन प्राणी हैं, आपसे जानना चाहेंगे पहलवानी के विषय में थोड़ा बताइए, और जो मामला आपके बिरादरी को कहा जा सकता है, पहलवानी बिरादरी है आपके और बिरादरी के साथ अन्याय होता जा रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? मेरा नाम बोलिए पहलवान जी, बोलिए। इस कुश्ती को जागरूक करना चाहता हूँ और जनता से अपील है, सांसद मंत्री विधायक सबसे अपील है कि हमारे खेल जो है लुप्त हो जा रही है, इसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, आपने भी अपने प्रोफेशन के अनुसार बातें की, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये कुछ युवा लोग साथी लोग हैं, आप क्या कहना चाहिए, आपको कैसा लगा कुश्ती, आपने कभी भविष्य में देखा था? आपका उम्र है लगभग 17-18 साल के युवा यहाँ पे उपस्थित है, आपने कभी अपने जीवन काल में ऐसी प्रतियोगिता देखी थी? नहीं, और यहाँ पर नहीं देखे थे, मैं देख लिए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों का, धन है दुधरा का जनता। आपको अच्छा लगा और आप क्या सीखे, कुश्ती से क्या सीखे बताइए? बहुत कुछ सीखे, ज्ञान सीखे, हम लोग का भी देह बनाना चाहिए, सही भी लड़ना चाहिए, देह बनाना चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा शरीर का तंदुरुस्ती भी बहुत चलाना चाहिए, फुर्ती आती है कुश्ती से और पढ़ाई लिखाई देह अच्छा रहता है। हमें अपने राष्ट्रीय खेल को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें इस पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए, हमारे जितने भी सांसद विधायक लोग हैं इनसे हमें आग्रह भी करना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय खेल जो ये कुश्ती भी है इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी हमें अपने साथ क्रम में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, कदम से कदम ले। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सूरज कुमार।
सूरज कुमार हैं, काफी छोटा हुआ है, अल्प आयु के हैं, पर इनका मन का जो मनोबल है और अंदर का जो ज्ञान है, इन्होंने किस तरह से आप सभी के समक्ष रखा और निश्चित रूप से ऐसे ही ठीक मानसिकता होनी चाहिए खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति, तभी देश से आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और पुनः एक बार आप सभी को मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पर, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के उपरांत में आप देखिएगा छोटा सा क्लिप पहलवानी का, इसके साथ में डालेंगे, आप अधिक से हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय जय।